नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इन दिनों मध्य प्रदेश में बारिश पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन मामला निमाड़ में जिस तरह से बरसना चाहिए बारिश उस तरीके से पानी नहीं बरस रहा है। जून माह की अगर बात करें तो 7 दिन लगातार बारिश होती रही, बीच में एक दिन 2 से 2.5 इंच बारिश भी हुई, जिसे लेकर जून का अब तक का कोटा करीब पूरा होने को आया। यदि तापमान की बात करें तो वर्तमान में तापमान 31 से 32 डिग्री उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के करीब बताया जा रहा है। इस बार मौसम की तीनों प्रणालियां विकसित होने के कारण पूरे हिंदुस्तान में बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन हवाओं की गति और उत्तर पश्चिम मानसूनी उतना सक्रिय ना होने के कारण हमारे मालवा निमाड़ में वह बारिश देखने को नहीं मिल पा रही है, जो बारिश का इंतजार मालवा निमाड़ की जनता कर रही है। आने वाले दिनों में बादल युक्त मौसम बने रहेंगे और कुछ समय के बाद मालवा निमाड़ में झमाझम बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस साल की कोटे से कुछ अधिक वर्षा की बात सामने आई है। ऐसे में किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि 5 से 6 इंच बारिश हो चुकी है, जिन्होंने खेती में बोनी कर दी है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं की है वह भी तुरंत करें, अब फसल बर्बाद नहीं होगी, इतना पानी पर्याप्त होगा। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो 32 और 33 के आसपास चल रहा है, जो न्यूनतम तापक्रम है वो 21 और 22 डिग्री के आसपास चल रहा है। और जो बारिश है, अगर हम जून की बात करें तो जून में हमको अभी तक 140 mm यानी कि 5 से 6 इंच पानी इंदौर में हमको प्राप्त हो चुका है। और जो जून की बारिश के दिन थे वो 7 दिन हमको लगातार बारिश देखने मिली, इसमें एक दिन हमको जरूर 2 से 2.5 इंच के करीब पानी देखने को मिला था। उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो जून का कोटा था वो लगभग पूरा हो गया, थोड़ा बहुत कम है 5 या 10%। और अगर आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में जो मौसम है वो बादल युक्त बना रहेगा और शाम को या सुबह हमको बिजली के साथ में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और कहीं कहीं कुछ छुटपुट जगह पर हमको तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी मौसम 7 से 8 घंटे ऐसा बादल युक्त रहने की संभावना है। सर, क्या वजह कि हमारे इधर बारिश वैसा मौसम नहीं बना पा रही जैसे कि राजस्थान में खूब बरस रहा है, दिल्ली में बरस रहा है, भोपाल की तरफ बरस रहा है, वैसा मौसम हमारे यहाँ क्यों नहीं बन पा रहा है? असल में हम इस बार देख रहे हैं कि जो दक्षिण पश्चिम में मानसून आया उसकी रफ्तार धीमी थी और हवाओं की गति थी वो थोड़ी धीमी होने के कारण मानसून भी 2 दिन डिले हो गया। और जो जिस गति से मानसून आगे बढ़ना चाहिए वो न बढ़कर जहाँ स्थिर हो गया, उसकी वजह से जो मूवमेंट होना था वो देखने को नहीं मिल रहा। पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी और जो मौसम प्रणालियाँ हैं तीनों अभी एक्टिव हैं और तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन जो आगे बढ़ने की गति थोड़ी धीमी है उसकी वजह से हमारे यहाँ तेज बारिश देखने को नहीं मिलेगी। क्या इस बार बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा जितनी आवश्यकता मध्य प्रदेश को या जितनी हमारी मालवा को होती है? IMD ने जैसा फोरकास्ट किया है कि इस बार हमारे मालवा में भी हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल कोटा है वो आसानी से पूरा हो जाएगा और हो सकता है हमको ज़्यादा भी बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में किसान भाइयों के लिए क्या कहेंगे? किसान भाइयों को अब सलाह दी जाती है कि पानी लगभग 5 से 6 इंच हो गई और आप अगर अब जिसने बोनी कर दी है उसके लिए ठीक है और नहीं करी हो वो बिल्कुल बोनी कर दें, अब आगे बारिश की राह ना देखें, जितना पानी हमको ज़मीन में चाहिए जितनी नमी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में हो गई और अपने बुवाई को समय पे कंप्लीट करें, अभी बिल्कुल पर्याप्त समय है बोने के लिए। क्या टेम्परेचर और गिरावट आने की संभावना है? टेम्परेचर में अभी और गिरावट आएगी, जो अधिकतम तापक्रम है वो 31 और 32 के आसपास जाएगा, यानी कि 1 डिग्री उसमें गिरावट देखने को मिलेगी और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी आने वाले दिनों में हमको 1 से 2 डिग्री गिरावट भी दिखेगा और हो सकता है अगर मौसम खुल गया और बादल रहा तो फिर 2 डिग्री बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमको उमस देखने को मिल सकती है। डॉक्टर HL खपेड़िया, नोडल अधिकारी, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि महाविद्यालय इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।